हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आजाद जी के क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में बताने वाला फ्रेंड्स कि आपका एडमिट कार्ड आप अपने मोबाइल में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड कब आने वाला है। तो यहां से पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स कि 11 जुलाई को होगी परीक्षा, जानिए कब आएगा एडमिट कार्ड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स और अच्छी तैयारी के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर आपके लिए इंपॉर्टेंट जीके जीएस हिंदी का प्रश्न फ्रेंड्स हर रोज अपलोड किया जा रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि बिहार के जो स्टूडेंट्स बीएड में प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अपडेट है। नए सत्र यानी 2021-22 के लिए बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा सीटी की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा 11 जुलाई को आयोजित होगी। इसके लिए नोडल एजेंसी एल ने मिथिला विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों की सूची फाइनल कर रहा है। ठीक है, आगे चलते फ्रेंड्स। आगे क्या है, आगे दिया गया कब आएगा एडमिट कार्ड। ठीक है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने वाले हैं। ऐसे में 5-6 दिन बाद या 1 जुलाई को एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। ठीक है, हालांकि एडमिट कार्ड को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। बता दें कि नए सत्र के लिए राज्य में करीब 34,000 सीटें मौजूद है। इसके लिए 1.36 लाख लोगों ने आवेदन किया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फ्रेंड्स, पल पल की रिपोर्ट के लिए, अपडेट के लिए और अच्छी तैयारी के लिए।